आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी कच्ची हल्दी की सब्जी, जो कि खास तौर पर सर्दियों में ही बनाई जाती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारी सब्जी में, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं निशा और आर्ट ऑफ कुकिंग विद निशा में आपका स्वागत है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कच्ची हल्दी ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, इसकी मिट्टी अच्छे से साफ कर ली है और ये एकदम देखने में अदरक की जैसी आती है। तो सबसे पहले इसको छील लेंगे चक्कू की सहायता से इस तरीके से। हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर होती है, तो कम से कम सर्दियों में 5 से 6 बार इसकी सब्जी जरूर बनाकर खाएं। आप सर्दियों से और जुकाम और अन्य बीमारियों से दूर रहते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है हल्दी। तो इस तरीके से मैं सारी हल्दी को छीलकर तैयार कर लूँगी और पानी में डाल दूँगी ताकि ये काली ना पड़े। अब एक थाली ले लेंगे और जो कद्दूकस है मीडियम साइज का, उससे इसको कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में पीस भी सकते हो। हाथ को बचाते हुए कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गांठी होती हैं हल्दी में, तो अच्छे से ये कद्दूकस नहीं हो पाती है। तो आप अपने हाथों को बचाते हुए इसको कद्दूकस करें धीरे धीरे। हल्दी में करक्यूमिन नामक मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम होता है, जो कि हमारे हार्ट डिजीज को, स्ट्रोक को, मोटापा को और डायबिटीज आदि समस्याओं को कम करता है और सर्दी जुकाम से तो ये बचाता ही है। तो इसकी सब्जी या हलवा, चटनी किसी भी रूप में आप एक बार बनाकर जरूर खाएं। इस तरीके से मैंने सारी हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे 100 ग्राम घी और इसको मेल्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखेंगे और हल्दी को इसमें डाल देंगे और लगातार इसको चलाते हुए भून लेंगे। इस तरीके से इसको लगातार चलाते रहेंगे, कच्ची को छोड़ना नहीं है, नहीं तो हल्दी नीचे लग जाएगी। आप इस तरीके से अगर सब्जी बनाकर खाते हो तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है सब्जी हल्दी की, क्योंकि हमने इसमें इसको घी के अंदर भूना है। घी से हल्दी का जो कड़वाहट है वो कम हो जाता है। आप देख सकते हो कि कढ़ाई से घी निकलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब हमारी जो हल्दी है वो सिक चुकी है। इसको हटा देंगे। यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और 2 हरी मिर्च ली थी। अब इनको कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में भी कूट सकते हो। इसको दरदरा ही रखना है, लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ले ली है। इस सब्जी को घी में ही बनाया जाता है, घी में ही बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। 100 ग्राम के लगभग और घी ले लिया मैंने यहाँ पर। घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो यहाँ पर डालेंगे हम जीरा, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 3 से 4 यहाँ पर लौंग डाल देंगे और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। अब जो हमने मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको भून लेंगे घी के अंदर। इसका कच्चापन निकाल देंगे। हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, तो अभी इसमें डाल देंगे हम 1 कटा हुआ प्याज, इसको भी भून लेंगे। प्याज को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। हमारी जो प्याज है वो भून चुकी है, तो अब इसमें 100 ग्राम के लगभग हरी मटर डाल देंगे, इनको भी भून लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से भून जाएं, उसके बाद में ही हमें दही डालना है इसके अंदर। आप देख सकते हो जब हम इसको मैश कर रहे हैं तो ये आराम से टूट रहे हैं हमारे जो मटर हैं, इसका मतलब ये तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर ले लिया मैंने 200 ग्राम दही, जिसको अच्छे से फेंट लेंगे, चिकना होने तक फेंटना है इसको। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे।
आधा चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने मिर्च पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पेस्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अब हम इसको सब्जियों के साथ डालेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा दही है वो फटे ना। हमें ध्यान रखना है कि कड़छी को इस टाइम छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ देंगे तो हमारा दही फट जाएगा। तो इसमें एक उबाल आने तक इसको लगातार चलाते रहेंगे इस तरीके से। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो, और अगर मक्के और बाजरे की रोटी के साथ खाते हो तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है इसका। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा तेल छूटने लगा है, तो इसको चला देंगे। कढ़ाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब यहाँ पर जो हमने हल्दी भूनी थी उसको भी डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको इस तरीके से ही कढ़ाई के अंदर सिकने देंगे, बनने देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर इस समय फूल गोभी भी कद्दूकस करके डाल सकते हो, या फिर जो हरी प्याज आती है उसको भी काट कर डाल सकते हो, और काजू भी डाल सकते हो इसके अंदर, उससे भी बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। लेकिन मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। जो हमारी सब्जी है वो बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो इसने घी रिलीज कर दिया है। तो अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप एक बार ये सब्जी ज़रूर बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी लगती हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।